अब आप आए हैं तो ये कैसे हो सकता है कि कश्मीर पर बात हो? जो बाइडेन कश्मीर के लिए आपको नजर आता है कि कुछ करेंगे, कि प्रोमिनेंट कश्मीरी हैं टोनी शायर, उन्होंने ट्वीट किया है कि सोर्सेस टेल मी दैट स्टेट डिपार्टमेंट इंसिस्टेड ऑन मोदी टू लिफ्ट इंटरनेट बैन ऑन कश्मीर बिफोर एनी फोन कॉल विद पोटस, सो दिस वॉज द रीजन वाई 4G बैन वॉज लिफ्टेड बाई मोदी। तो ये जो अभी हम 550 days के बाद 4G इंटरनेट बैन लिफ्ट हुआ है कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इनके मुताबिक उसके पीछे प्रेशर था बाइडेन हुकूमत का। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट फॉर कश्मीर? कुत्सिया, अमेरिका की कश्मीर पर सदर ट्रंप के दौर में जो तब्दीली कश्मीर पॉलिसी में आई है वो तारीखी है। मैं हैरान हूं कि हमारे यहाँ इस पे अव्वल तो बात नहीं हुई, बहुत अरसे तक बात नहीं हुई, और मुझ जैसे लोग और दूसरे लोग पुश करते रहे कि इस पे हम बात करें, और बड़ी मुश्किल से अब जाके, यानी अब जैसे मेरा मुराद चंद हफ्ते पहले, शायद अभी कोई ज्यादा नहीं, यानी महीना दो महीने, शायद अब थोड़ी सी बात होने शुरू हुई कि फैक्ट ये है कि अमेरिका की बड़ी मुस्बत पॉलिसी चेंज हुई कश्मीर के ऊपर सदर ट्रंप के दौर में। और उसके हमें दो तीन बड़े उसके इशारे थे। पहला इशारा ये था कि पहली दफा किसी अमेरिकी सदर ने कश्मीर पे एक दफा नहीं, कई दफा बात की। मेजर डेवलपमेंट, काफी नहीं है, ज्यादा होना चाहिए, हम चाहते हैं अमरीकी मुदाखलत ज्यादा हो, कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है जब अमरीकी सदर के प्लेटफॉर्म से कश्मीर पे बात हो। अमरीकी सदर जो बोलता है वो दुनिया भर में उसकी कवरेज होती है, और ये इशारा मिलता है सारी दुनिया की ताकतों को कि ये जिस टॉपिक पे हम अमरीकी सदर बात कर रहे हैं, ये टॉपिक अब इन है, अब ये टॉपिक क्लियर है, हलाल है, कोशर है, इस पे आप बात करें। तो ये बड़ा क्लियर सिग्नल होता है। और एक दफा नहीं, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, जब पांच दफा जब अमरीकी सदर बात करे उस एक टॉपिक पे, तो बहुत क्लियर सिग्नल है वर्ल्ड वाइड कि ये इशू, ये टॉपिक इन हो चुका है, और ये इस पे जो जो भी पहले वो थी कि बंद, इस पे बात नहीं होती थी, वो बात खत्म हो गई है। ये कश्मीर के साथ सदर ट्रंप ने किया, पहली चीज। सेकंड, कि सदर ट्रंप के दौर के अंदर पहली दफा तारीख, जब से कश्मीर मसला शुरू हुआ है, पहली दफा कांग्रेस ने दो हियरिंग्स की जिसके अंदर दर्जनों अमरीकी अराकी ने, कांग्रेस ने दोनों सियासी जमातों से, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी, उन्होंने कश्मीर पे जबरदस्त बात की। उसका पूरा रिकॉर्ड कांग्रेस की वेबसाइट पे है। इतनी इंफॉर्म्ड डिस्कशन हुई, उसके अंदर कश्मीरी जो कश्मीरी हैं, यानी जो अमरीकी अमरीकी कश्मीरी हैं, उनको मधु किया गया, जिसमें कश्मीरी हिंदू भी थे, कश्मीरी सिख भी थे, कश्मीरी मुसलमान भी थे, उनको इनवाइट किया गया, और उन्होंने खुल के इंडिया पे बातें हुई। यानी 80 सालों में अमेरिका पे इस तरह की, अमेरिका में, सॉरी, इंडिया पे इस तरह बात नहीं हुई जिस तरह इन हियरिंग्स में हुई। तो ये दूसरी बड़ी तब्दीली थी। तीसरी बड़ी चेंज ये है कि मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट, मुझे इसमें तो कोई कबात नहीं है कहने में, जो अमेरिकी मीडिया इस वक्त कश्मीर पे कवरेज कर रहा है, हमने पाकिस्तान में, हमने 80 साल में नहीं की, 70 साल में नहीं की, नहीं हुई हमारे यहाँ, अभी भी नहीं हो रही वो वाली कवरेज हमारे यहाँ। मतलब इसलिए नहीं कि हम कोई बुरे लोग हैं या हम कोई छुपा रहे हैं कश्मीर को, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी वो प्रोफेशनल, जाहिर है वो अमेरिका है, अमेरिका का जो मीडिया है उस लेवल पे जो कवरेज अमेरिकी मीडिया में हो रही है, वो उस लेवल की कवरेज हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। जो न्यूयॉर्क टाइम्स, जो वाशिंगटन पोस्ट, जो उनकी पीबीएस, उनके दूसरे अखबार हैं, उनकी टाइम मैगजीन, उनके और बहुत, हद तक के जो नेशनल ज्योग्राफिक जैसी मैगजीन जो कवरेज करती है नेचर को और जंगल्स और एनिमल्स और कल्चर्स, वो भी कश्मीर पे उन्होंने इतनी जबरदस्त प्रोग्रामिंग की है। तो ये बड़ी, तो ये तीन आपको मैं चीजें बता रहा हूँ कि उनके यहाँ बहुत बड़ी अमेरिका में चेंजेस आई हैं। तो अब आप सब बात कर रही हैं कि बाइडेन की क्या पॉलिसी होगी इसमें। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जैसे आपने अभी खुद बता दिया, आपने बड़ी जबरदस्त ट्वीट वो जो कोट की है आपने, कि एक तो दो चीजें हैं, इंडियंस लॉबी भी जब इलेक्शन हो रहे थे अमेरिका की, कम से कम मेरी स्टडी ये थी, कोई खुल के किसी ने इस पे बात नहीं की, कोई मैं सबूत एकदम से सामने तो नहीं लाके रख सकता, लेकिन बहुत सारे इशारे थे कि अमेरिके जो इंडियन लॉबी है अमेरिका में, वो बाइडेन को सपोर्ट कर रही थी, और वो इंडियन लॉबी ओवरऑल इस फेवर में थी कि ट्रंप को खत्म किया जाए। एक तो वो खुश नहीं थे इस बात से कि ट्रंप ने जो है कश्मीर पे बात की है, ये तो क्लियर थी। हाँ, एक तो इसमें दूसरी चीज, वो ट्रंप से खुश नहीं थे कि ट्रंप पहला सदर है अमेरिका की तारीख में जिसने इंडिया पे एक ट्रेड सैंक्शंस लगाए, पहला सदर है। तो
तो हालांकि वो बहुत बड़े सैंक्शंस नहीं थे, लेकिन सिग्निफिकेंट थे, इम्पॉर्टेंट थे। तो ये दूसरा नुकसान इंडिया का, पहले और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा सदमा था ये, कि क्या ये भी हो सकता है कि अमरीकी हुकूमत कभी हमारे ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाए। और आपको पता है, एक चीज जब शुरू हो जाए, बेशक वो छोटे पैमाने पे हो, वो आगे चल के बड़ी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रूट अवेकनिंग थी, एक मुंह पे आके एक तमाशा था भारत के लिए जो ट्रंप ने किया। तीसरी चीज ट्रंप ने जो की वो ये थी कि 25 सालों से इंडियन इमिग्रेशन, लामहदूद इमिग्रेशन अमेरिका में हो रही थी, और जो इंडियन शहरी चाहे वो उठ के कह दे कि मैं आईटी एक्सपर्ट हूं, मैं सिलिकॉन वैली जा रहा हूं, मैं कंप्यूटर का बाबू हूं, और मैं वो जनाब उसको वीजा वो दे दें, वो जो भी कैटेगरीज हैं उसकी आईटी की, और उससे बेतहाशा अनचेक्ड इंडियन इमिग्रेशन अमेरिका हुई, और साथ साथ बेतहाशा जॉब्स, अमेरिकी जॉब्स इंडिया शिफ्ट हो गई, कॉल सेंटर, छोटी मोटी जॉब्स जो हैं कॉल So, सेंटर्स के लिए। तो what is ट्रंप the ने जो bottom line? What is the बॉटम bottom लाइन line? ये है, बॉटम लाइन ये कि Biden, Trump के मुकाबले में बाइडन हुकूमत for कश्मीरीज बेहतर है कि नहीं? वी हैव टू वेट एंड सी, वी हैव टू अभी वेट तक एंड सी। जो उनके सिग्नल्स मिल रहे हैं उनकी हुकूमत की तरफ से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी तक क्लियर सिग्नल्स नहीं है, लेकिन द गुड थिंग इज, द गुड न्यूज इज, कश्मीरियों के लिए जो गुड न्यूज है और हमारे लिए भी, वो ये है कि जब दो हियरिंग्स हुई थी अमेरिकी कांग्रेस में, तो उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी, सदर बाइडेन की जो पार्टी है, उन्होंने बड़े खुल के कश्मीर पे फेवर में, कश्मीरी राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इंडिया को क्रिटिसिज्म खुल के किया था। और बहुत सारे अराकीने कांग्रेस हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिन जिनमें एक दो इंडियन बैकग्राउंड के भी हैं, वो उन्होंने भी बड़ी तंकीद की थी इंडिया की पॉलिसी के ऊपर। सो ये मुस्बत चीज है, तो उम्मीद है कि सदर बाइडेन की, और मैंने उस दिन पिछले दिनों देख रहा था कि दो खवातीन हैं, मुसलमान कश्मीरी खवातीन, जो एक्चुअली व्हाइट हाउस का हिस्सा हैं, और सदर ट्रंप, सदर बाइडेन ने उन्हें दो अहम पोजीशंस दी हैं दोनों खवातीन बिल्कुल को, जो है वो, हाँ, व्हाइट हाउस के अंदर। एक उनका कोई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, एक उनकी सोशल मीडिया और इसका कोई वो है इदारा है व्हाइट हाउस के अंदर ही। तो ये इट्स अ गुड थिंग, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता रहा हूँ खुशिया, कि इंडियन, क्योंकि लॉबी ने बहुत सपोर्ट किया था बाइडेन कैंपेन को ट्रंप के खिलाफ, तो उनका भी इन्फ्लुएंस होगा। लेट्स सी ये कैसे होता है। ये जो आपने भी बात शुरू में बताई हमें कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि उम्मीद है, मैं भी उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो। एक और अच्छी मुस्बत चीज ये है कि जब आपको याद होगा मोदी के ऊपर ट्रैवल बैन लगा था, अमेरिका ने लगाया था, तो वो डेमोक्रेटिक, मेरे, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी वाशिंगटन में डेमोक्रेटिक पार्टी की, जब मेरे ख्याल में 1990s में उनपे ट्रैवल, या 2000 के शुरू में उनपे ट्रैवल, सॉरी 2003 में लगा था शायद, जहां तक मुझे याद है, ट्रैवल बैन जो था मोदी पे। तो आई एम होपफुल, हमें इंगेज करना चाहिए। पॉइंट ये है कुसिया कि हमें इंगेज करना चाहिए, हमारा फुटप्रिंट वाशिंगटन में बहुत कम है। हमारे पास इस वक्त बड़े जबरदस्त सफीर है पाकिस्तान के, अम्बेसडर असद खान साहब जो हैं वाशिंगटन में, वेरी डायनामिक, बहुत, आप देखती हैं, आप भी देखती हैं, आप भी बहुत एक्टिव हैं ट्विटर पे, तो आपने उनको देखा होगा कि कैसे वो बहुत एक्टिव है वाशिंगटन डीसी में, लेकिन वो एक शख्स है। आई थिंक कि हमें जो है इसको एक्सपेंड करना चाहिए। मुझे हमेशा अफसोस होता है, मैं बस ये कह दूं क्विकली, कि अब जैसे न्यूयॉर्क सिटी में PIA की एक एसेट है, रूजवेल्ट होटल है, तारीखी सिंबल और आइकॉन है न्यूयॉर्क सिटी का, ऐसा लोकेशन है और ऐसा एड्रेस है वो, कि अगर हम वहां पे, है तो वो कमर्शियल होटल है, उसमें शायद हमने कोई ऑफिसेज भी दिए हुए किराए पे, फाइन, लेकिन उसमें अगर आप एक फ्लोर लेके कोई पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेसी आउटरीच का दफ्तर बना लें आप, अब ठीक है, उसको तो इसमें कोई, सेल सुनने में आ रहा था कि दे आर गोइंग टू सेल इट। आप अगर हमारी जो इलीट है, रूलिंग इलीट्स जो भी हैं, सारी जितनी भी हैं, अगर उन पे छोड़ देंगे, वो सब बेचना चाह रहे हैं, वो सब इसी चक्कर में है कि बेच के और जो है कोई उस पे वहां पे हाउसिंग स्कीम बना दे। हमारे यहाँ तो, हमारी, हम बड़े स्मार्ट लोग हैं कुछ सी है, हम पाकिस्तानी जो है, वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, हम बिजनेस में इन चीजों पर स्मार्ट है, जहां पे हम नहीं है वो ये जो आउटरीच और पब्लिक डिप्लोमेसी, इसके जो तरीकेकार होते हैं, सटल अंदाज होते हैं, वो अंदाज जो है हमने अपनाए नहीं है।
हैं।